का हाल थी गया है, चिट्टे बाल उधड़े थी गए हैं, का हाल उधड़े निकलन तू चाहिए बताए का हाल उधड़े गया चिट्टे वाल उधड़े थी गए बड़ा कि हाल उधड़े बाबा तू किधर जाऊंगा एहन काका हाल उधड़े थी गया है चिट्टे वाल उधड़े थी गया है एहन काका हाल उधड़े थी गया है दातरी पई है हला मैं दातरी तो नहीं चाहूंगी वो भावे 100 साल पई रहे उठे पई रहे नहीं वाड लो बारिश कोनी रुकदी बारिश आना शुरू हो गए ना मैं रेडी जोरा रल के लगे चलने आ जो पुठने मच्छू मिच्छू जो किन्नो मिठो तू बारिश लगोंदी तो तू किन्ने वडन जाऊं हां तू किन्ने वडन जाऊं आई तू डोडे वड्डू आ मैं हां तागा मिनट मार्क वाड लो रेडी जोल ये मैं तना के रेडी रे बाहर कल जाना चल बस सर्दियों की पहली बारिश आ गई है और बारिश हो रही है टका टक टका टक टका टक इस बारिश से एक दफा सर्दी तो बढ़ेगी बट ये है कि सर्दी का जोर टूटेगा और अभी इतनी हो नहीं रही है किन मिन जिसे कहते हैं हल्की हल्की अमरूद भी मतलब के चुगना कहते हैं इसे और क्या कहते हैं ये उतारना तो उतारे जा रहे हैं पेटियों में बंद किए जा रहे हैं और धुंध भी कम है बिल्कुल लाइट सी धुंध है काफ़ी दूर तक नज़र जा रही है बाकी ये है कि बारिश बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी 4-5 माह हो गया बारिश आए को बारिश देखे को तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और तेज़ भी हो गई तो कोई मसला नहीं है बाकी है कि ये जो कक्कर पड़ रहा है कक्कर जिसे पंजाबी में समझ लेकर बहुत तेज़ जो होती है सर्दी वो पड़ रही है जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है और उसके अलावा जितनी भी फसल है उसके लिए भी तो उससे बचत हो जाएगी और धुंध कम हो जाएगी और सर्दी नॉर्मल जो होती है वो इंजॉय करनी पड़ेगी तो ये ज़रूरी है और ये जो बकते हैं इनको भी बारिश बहुत ज़रूरी होती है और पानी ज़रूरी होता है अभी देखे बारिश में बाहर जानवर तो चलो वो किले से बांधे हुए हैं उनको बांधा हुआ है वो तो रहेंगे बाकी ये बाहर रहती है हाय 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 क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट है शहर आ रहे हो ये सिर्फ है सिर्फ पिंडा वाले कोई एक चीज़ गंद टका आगे हो जाता है बारिश की वजह से अब यहाँ से कोई भी इधर से कोई भी आएगा ये वाले घर में तो ये वेली से इधर कोई भी आएगा तो गंदे पाँव आगे और देखो कीचड़ ये देखो और ध्यान से उतना पड़ेगा कीचड़ 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 ही हो जाएगा तो ये सबसे मुश्किल होता है कि हाँ बारिश के दौरान दूसरे घर की सफाई बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हवेली से मिट्टी आनी है बाहर से और बाहर से मिट्टी फिर दूसरे घर पे जा रही है अब देखना क्या होता है यार देखो क्या हाल हुआ है अब क्या कह सकते हो बारिश से तो बचना पड़ेगा